Thank you. वहां क्या खड़ी हो? जाकर सब गेस्ट को सर्व करो। और सुनो, फैमिली को भी जाकर देकर आओ। बहुत शौक है ना तुम्हें भाई की सेक्रेटरी बनने का, तो फिर करो ये सब कुछ। ये सब कुछ तो तुम्हें करना ही पड़ेगा। और अगर ये सब कुछ तुम्हें नहीं करना ना, तो एक काम करो, अपने आप ही कोई बहाना बनाकर यहाँ से चली जाओ, क्योंकि तुम्हारी ऐसी हालत करूंगी मैं अदरवाइज कि कहीं पर वेट्रेस बनने की भी हालत नहीं रहेगी तुम्हारी। प्रज्ञा, अगर मैं मर भी रही हूंगी ना, तो तुम्हारे हाथ से पानी नहीं लूंगी। ये तो बहुत दूर की बात है, मैं तो तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। अरे नहीं नहीं मिताली पुत्र, ऐसे नहीं बोलते हैं। अभी तक तो ये हमसे काम करवाती थी, अब तो आई है ये अपनी औकात पे। हाँ तो इसका हौसला बढ़ाना चाहिए, है ना? अच्छा सुन, मुझे ये नहीं चाहिए, मेरे लिए जूस लेके आ। और अगर स्टॉक में जूस खत्म हो गया है ना, तो फ्रेश बनवा के लाना, खाली हाथ मत आना। तुम्हें सुनाई नहीं दिया कि ताई जी ने क्या कहा है? गो गेट हर द फ्रेश जूस। मैं उनकी सेक्रेटरी हूं, इस घर की नौकरानी नहीं। फिर भी अगर वो मुझसे ये काम कहते ना, तो शायद मैं कर भी लेती, लेकिन तुम लोगों के कहने पे तो हरगिज नहीं करूंगी। और हाँ, मुझे वो करने पे मजबूर मत करो जो मैं करना नहीं चाहती। जहां तक इस नौकरी का सवाल है, जब वो मुझे बोलेंगे ना, मैं ये नौकरी छोड़कर चली जाऊं, तब तक मैं यही जाकर कह दो उनसे कि मैंने ये काम करने से मना कर दिया। तो मैं तुम्हें देख लूंगी। टेक इट इजी। देखिए, मैंने आपको एक बार बोल दिया है कि भाई खुद आकर आपसे बात करेंगे और आपके सारे सवालों का जवाब देंगे, तो आप क्यों पीछे भाग रहे हैं? जस्ट काम डाउन, ही विल कम टू यू। वेट, सॉरी, ये क्या कर रही हो तुम? मेरी सेक्रेटरी होकर वेटर वाले काम कर रही हूं। किसी ने देख लिया तो मेरी इमेज खराब हो जाएगी। छोड़ो उसे। आपकी बहन ने कहा था, इसलिए मना नहीं कर पाई। आलिया, आई बी बैक। है वो? कम ऑन भाई, लेट्स गो, एवरीथिंग इज रेडी, चलिए। ये रेडी वेडी तो ठीक है, ये पार्टी तुमने इसलिए रखी है ना ताकि मीडिया के सामने मेरी इमेज ठीक कर सके। तो फिर इमेज खराब क्यों करी? मेरी सेक्रेटरी से वेटर वाले काम क्यों करवा रही? भाई मैंने नहीं बोला, मैंने तो इसे मतलब गेस्ट खाली हाथ खड़े थे तो मैंने इसे बोला कि सबको सर्व करवा दो। अब ये खुद ही वेटर बन गई थी, उसमें मेरी क्या गलती है? अब आप ये सब कुछ छोड़िए और चलिए। अब वहां पर मीडिया भी आ चुकी है, सब लोग आपका वेट कर रहे हैं, बोल बोल कर मेरा दिमाग खा रहे हैं। भाई कम ऑन, लेट्स जस्ट फिनिश इट ऑफ। हां, पर वो तनु का है, उसे मैं बुला लेती हूँ ना। चलिए जल्दी से प्लेट छोड़ो। अगर आप कपल है तो फिर शादी का भी सोचा ही होगा। एक्चुअली हम लोग शादी का ही क्यों, सुहागरात बच्चों के बारे में भी सोच लिया है कि बच्चे बड़े होकर क्या करेंगे, लड़का होगा तो उसका नाम क्या होगा, लड़की होगी तो उसका नाम क्या होगी, उनके गर्लफ्रेंड्स बॉयफ्रेंड्स उनके बारे में पूछो। अरे जब हमें शादी करनी होगी तो हम डेट डिसाइड कर लेंगे ना। लेकिन अगर आप लोग न्यूज बनाना चाहते हैं तो डेट भी आप ही डिसाइड कर लो। ये अभी शादी के लिए क्यों नहीं बोल रहा? एनीवेज, अभी फिलहाल हम सिर्फ एक रिलेशनशिप में, हम शादी के बारे में इसलिए नहीं सोच रहे बिकॉज हम अपने प्रोफेशनल लाइफ पर कॉन्सेंट्रेट करना चाहते हैं। जब शादी का डेट डिसाइड करेंगे तो पंडित के साथ साथ आपको भी बता दिया जाएगा। आई एम श्योर मैंने आप लोगों के सारे क्वेश्चन आंसर कर दी। एनी मोर क्वेश्चन और क्वेरीज, एनीथिंग? सो द बार इज ओपन एंड Food is served. ये यहीं रहेगी। और ये प्रज्ञा को मारना चाहती थी, भाई को नहीं।
वो तो भाई खुद बीच में आ गए थे जिसकी वजह से उनका एक्सीडेंट हो गया। जब तक प्रज्ञा भाई की लाइफ में आसपास मंडराती रहेगी, भाई की जिंदगी पर खतरा मंडराता रहेगा। इसलिए ये कहीं नहीं जाएगी, जाएगी तो प्रज्ञा जाएगी बाहर। अरे बस कर आलिया, बस कर। कब तक दूसरों की जिंदगी के फैसले लेती रहेगी, कुछ अपनी जिंदगी बारे में भी सोच। अरे अभी की वजह से मैंने तुझे इस घर में सिर्फ टिकने दिया है, वरना अपनी फैमिली में तो क्या, तू तो किसी के साथ भी रहने के लायक नहीं रही। तूने अभी और प्रज्ञा को अलग किया है ना, ये जानते हुए भी कि तेरा भाई अभी प्रज्ञा के बगैर नहीं रह सकता। ताकि आप कैसी बातें कर रही? मुझे भाई से कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं भाई को हर्ट नहीं करना चाहती क्योंकि मैं भाई को बहुत प्यार करती हूँ। आपको ये बात समझ में नहीं आती है कि मैं प्रज्ञा को नफरत करती हूँ? मुझे भाई से कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो प्रॉब्लम है तो उस प्रज्ञा से। उस प्रज्ञा को मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। और मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर सकती। इसे देखती हूँ तो मेरा खून खौलने लगता है। तू अगर अभी की बहन बनने का दावा करती है ना, तो उसकी इतनी फिक्र करती है ना, तो इसको अपने घर में क्यों लेके आई? छोड़ूंगी नहीं इसे मैं। निकिता, निकिता, ए निकिता, आर यू ऑलराइट? निकिता, उठो। तुम ठीक तो हो ना? कोई पानी ले आओ। रॉबिन, पानी लेके आ। आई एम ऑलराइट, मैं ठीक हूँ। क्या ठीक हो? तुम्हारे सिर से खून निकल रहा है। रॉबिन, फर्स्ट एड बॉक्स ले आना। हाँ दो। तुम्हें चक्कर आ रहा है? थोड़ी मेहनत तुम भी कर लो ना। उठो। अभी को प्रज्ञा की इतनी चिंता क्यों हो रही है? और भी तो लोग हैं यहाँ, पर इसे ही जाना था। आराम से, इजी, बैठो। सॉरी, वो पप्पाओं। अरे हाँ, उठो, पैर ऊपर रखो। अरे बेड के ऊपर रखो। अभी तक क्यों नहीं है? आराम से, तुम इधर देखो, काफी खून बह रहा है। इधर इंसान जब प्यार में होता है तो क्या फील करता है? पूरी दुनिया बदल जाती। जब आप सबके साथ होते हैं तो खोए खोए रहते हैं। कभी कभी अकेले में बेवजह मुस्कुराने लगते हैं। जिसे आप प्यार करते हैं उसके साथ रहना, उसकी बातें करना, उसे देखते रहना अच्छा लगता है। और उसके साथ पूरी दुनिया अच्छी लगती। और उसके साथ रहने के लिए कोई रिश्ता ना हो ना से, लेकिन अलग रहने की भी कोई वजह ना हो।